तुम पाकिस्तानी को करना चाहिए, रोटी है जिहाद, रोटी के लिए जिहाद करना चाहिए। मैं सही कह रही हूँ, यहाँ पे लोग रोटी के लिए जिहाद करें। और जहाँ पर भीख मांगने की बात आ जाती है, ये तो पाकिस्तान की पहचान। आप गूगल पे लिख लो कि भिखारी कौन आएगा, तो वो सबसे पहले पाकिस्तान का नेम आपको दिखा देगा स्क्रीन पे, पाकिस्तान। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये मोदी जैसे लीडर यहाँ पर आए, पाकिस्तान में आए, उनका भाई आ जाए यहाँ पे, और कोई नहीं। वो ही कुछ बेहतरी ले आए, लेकिन मुश्किल है। पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अभी जैसे 23 पाकिस्तानियों को कल इंडियन नेवी ने बचाया, तो सबसे पहले तो उनका बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने 12 घंटे में सर्च ऑपरेशन करके पाकिस्तानियों की जान बचाई। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। आप बतमीजी नहीं करते दोबारा। यानी कि जो फिजा खलीफा हिंदुस्तान के खिलाफ इतना जहर उगलती है, वो ऊपर के आदेश है उसको, मालिकों उसको जो दिया जाता है वो वही बोलती है बस। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। सवाल ये है कि तुम पाकिस्तानी कब सुधरोगे? और अफगानिस्तान तो कभी भी हमारा दोस्त बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी हमने जितने अफगानिस्तानियों को यहाँ से निकाला, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर शुरू से वो यहाँ पे रह रहे हैं, और उन्होंने ये जरूर बोला था कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हम इनसे बदला जरूर लेंगे। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असले की आसान दस्तियाबी ने खित्ते की सलामती को बहुत ज्यादा खतरे में डाल दिया, और उसी बदले का मुझे लगता है ये अंजाम है जो इनके साथ हो रहा है। आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, आए दिन अटैक्स हो रहे हैं। पाकिस्तान में हाल में दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए, उन सब में जितना भी असला इस्तेमाल हुआ, ये वही है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ कर गया था। तो इंडिया में तो मुसलमान पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है, अदरवाइज पाकिस्तान में जरूर मुसलमान पे जुल्म है ना। अजीब सा असूल इस्लामिक कंट्री में रह के, क्योंकि यहाँ पे लोगों को खाना नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे इतनी महंगाई हो गया है, बिजली के बिल इतने हो, तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? जरा सोचिए, मतलब कि टेंशन की वजह से लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। मैंने तौबा, रोड पे नमाजें पढ़ी जाती है। आप तो पाकिस्तान में रहती है, आपको तो अच्छे से पता होगा। यहाँ पे तो मैंने कभी नहीं देखा कि रोड पे जुम्मे वाले दिन नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि अब लोगों की नमाज पढ़ने की तादाद बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। अल्लाह तौबा। जैसा कि आप नायला को देख रहे हैं, नायला पाकिस्तान से है, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, और इनके काफी पब्लिक रिएक्शन भी लेते हैं, साथ में काफी वीडियो पे रिएक्शन भी देते हैं। ठीक है जी। और ये बहुत कम इंटरव्यू देते हैं। थोड़े दिनों पहले इन्होंने किट्टू राव जी को इंटरव्यू दिया था, जो कि काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। ओके। और मेरे पास में भी आप लोगों के बहुत कमेंट आए कि भाई साहब, नायला जी को एक बार आप अपने चैनल पे भी आना चाहिए। तो मैं नायला जी को जबरदस्ती घसीट के लेके आया हूँ। बंदी के पास टाइम ही नहीं है, इतनी बिजी बंदी है, और सुने पता नहीं कैसे करके हमें टाइम दिया। चल झूठा। थैंक यू सो मच। और जिन फ्रेंड्स ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज नायला का इंटरव्यू, उनका दिल से शुक्रिया। और इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूंगी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, कोई ऐसी बात आपको बुरी लग जाए, तो उसके लिए पहले से आई एम सॉरी। ओके। तो नायला जी, मैं सबसे पहले आपसे ना कोई भारी भरकम सवाल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ शायला होती है, तो वो शायला तो हर सवाल का जवाब दे सकती है, क्योंकि उसको पॉलिटिक्स में उसकी अच्छी पकड़ है, और वो अवेयर भी रहती है हर सब्जेक्ट से। और आप एकदम अलग किस्म की, शायला है अलग किस्म की, तो आप से रिलेटेड आप ही किससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं सबसे पहले एक बहुत इजी क्वेश्चन से आपकी शुरुआत करना चाहूंगा कि आप YouTube पे कैसे आए? YouTube पे, ये मैंने उस दिन कित्तो जी को भी बताया था, YouTube पे ऐसे है कि मुझे शौक था, जैसे मैं आपको देखती थी और भी जो हमारे सीनियर थे, जब मैं उनकी वीडियोस देखती थी और जब मैं नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कितनी रिस्पेक्ट है। तो उसी वजह से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। और हमने स्टार्टिंग अपनी रिएक्शन वीडियो से की, जिसमें हम आपकी वीडियो यूज करते थे, डीडी सर की वीडियो यूज करते थे, पठान भाई की वीडियो, और भी काफी चैनल्स थे जिनके हम वीडियो यूज करते थे। तो ऐसा ऐसा जो हमारी देखने वाली ऑडियंस है, उनको हमारी राय, हमारी बातें काफी अच्छी लगी, और फिर उसी तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक रिएक्शन पर आ गए। और ऐसे तो पब्लिक रिएक्शन की है, जब आपने बात की तो पब्लिक रिएक्शन, आप खुद क्यों नहीं कैमरा फेस करती हो? नहीं, कैमरे फेस करने की बात, चैनल का नाम आपके नाम से, शायला को लोग नायला समझते हैं क्योंकि चैनल का नाम है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, और शायला खुद कहती है मैं शायला खान नायला पाकिस्तानी रिएक्शन से, ये मतलब क्या गड़बड़ जाला कर रखा है। यहाँ पे भी ना, जब हम रोड शो पे खड़े होते हैं, जब शायला अपना इंट्रो कर रही होती है, तो काफी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, यार नाम उसका शायला है, चैनल का नेम नायला है, तो ना बाद में हमसे पूछा जाता है कि फिर हम उनको बताते हैं। जैसे कि आपने बोला, मैंने आपको जैसे कहा कि पहले हम रिएक्शन वीडियो करते थे, तो तब मेरे नेम के साथ ही था नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, क्योंकि चैनल को मैंने स्टार्ट किया था, शायला मुझसे बाद में आई थी।
तो फिर उसके बाद जब हम पब्लिक रिएक्शन पर हुए तो लेकिन वो चैनल का एक ना नाम बन गया था, नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, नायला पाकिस्तान, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। तो फिर उसी वजह से नेम वही रहा लेकिन होस्ट शायला बन गई। और अभी जैसे आपने पूछा कि आप क्यों नहीं कैमरे के सामने आते, क्योंकि वो मुझसे बड़ी है, सीनियर है, उसकी जो सोच है, जो उसकी बातें करने का स्टाइल है, वो मुझसे ज़्यादा मैच्योर है। और इसी वजह से उसने कहा कि नायला मैं करूँगी, तुम मेरे साथ रहना, कैमरे को तुम देखना, हर चीज़ को फोकस करना। तो फिर इसी तरह से हम दोनों बहनों की जर्नी स्टार्ट। अब मैं आपसे ना एक बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि तुम पाकिस्तानी कब सुधरोगे? तुम्हारा पीएम पूरी दुनिया में जाके भीख मांगता है, पूरी दुनिया का जीना हराम कर रखा है तुम पाकिस्तान के पीएम ने, और तुम्हारे पाकिस्तानी आवाम जो है पूरी दुनिया में जा जाके भीख मांगती है। अवधि सऊदी सऊदी अरब में 200 भिखारियों को पकड़ा, वो सारे के सारे पाकिस्तानी, तो तुम ये हरकतें कब सुधारोगे? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, हम बिल्कुल सुधरे हुए हैं। अगर हम उन पाकिस्तानियों में से खुद को निकाल दें, हम बिल्कुल, और जहाँ पर भीख मांगने की बात आ जाती है, ये तो पाकिस्तान की पहचान है। आप गूगल पे लिख लो कि भिखारी कौन आएगा, तो वो सबसे पहले पाकिस्तान का नेम आपको दिखा देगा स्क्रीन पे, पाकिस्तानी है। तालियां होनी चाहिए इनके लिए, तालियां। उस दिन ना एक स्टेटस लगा हुआ, तो उसमें लड़के ने लिखा हुआ था कि मुझे कर्ज चाहिए, और नीचे गूगल लिख रहा था पाकिस्तान। तो मतलब कि ये हालत हो गया, गूगल को भी पता चल गया कि भिखारी कौन है, पाकिस्तान। अफसोस होता है कि यार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उन्होंने अपनी कंट्री पर कोई काम नहीं किया। जितने भी IMF से पैसे लिए वो अपनी पॉकेट में उन्होंने डाले हैं, और पाकिस्तानी को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। लोग, मैं ये कहूंगी कि जो भिखारी है उनका भी कोई कसूर नहीं है। कैसे? क्योंकि उनको यहाँ पे कोई जॉब तो मिलती नहीं है, कोई चीज तो उनको यहाँ पे दी नहीं जाती, उन्होंने भी तो अपना घर पालना ना, कुछ करना ही है ना। तो वो फिर बाहर कंट्री में जाके भीख मांगते हैं, वो जब पकड़े जाते हैं तो वो पाकिस्तान से होते हैं। यहाँ मैं कहूंगी उन भिखारियों को शर्म नहीं आनी चाहिए, यहाँ के लीडर्स को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से उनका ये हाल है। और आप लोग तो शुक्र मनाओ कि आप लोगों को PM मिल गया, नहीं तो पाकिस्तान ने आपकी तरफ ही आ जाना था कि इंडिया प्लीज आज इतने मुझे डॉलर दे दो, इतने दे दो, उतने दे दो, आने करना था प्लीज जाओ यार, जाओ, चले जाओ शिवाज शरीफ यहाँ से। तो ये मोदी जैसे लीडर यहाँ पर आए, पाकिस्तान में आए, उनका भाई आ जाए यहाँ पे, और कोई नहीं, वो ही कुछ बेहतरी ले आए, लेकिन मुश्किल है। वाह मोदी जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, पाकिस्तानी मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने तो तुम्हारी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर देखा था, वो तो मोदी को गालियां देते हैं, भारत को गालियां देते रहते हैं। वो दिमाग से घूमे हुए हैं, क्योंकि उनका मैं बताऊं, जब हम जाते हैं जैसे वुमेन मार्च, वुमेन डे हो गया और कश्मीर डे हो गया, जब यहाँ पे जाते हैं तो काफी मीडिया यहाँ पे आई होती है, जब वो हमसे बैक कैमरा बात करते, वो कहते हैं ये हमारा नहीं है, ऐसा हम नहीं चाहते, लेकिन जो चीज हमें दी जाती है ना, जो स्क्रिप्ट हमें दी जाती है, तो हमें उसी के अबाउट बात करनी होती है, क्योंकि हम कर नहीं सकते। आप लोगों का यूट्यूब चैनल है, आप लोग आजाद हो, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो जो आपके दिल में होता है, लेकिन हमारे मामले में ये सिस्टम नहीं आता। उन बेचारों को भी कितनी सैलरी दी जाती है, 25,000-30,000 पूरा दिन वो लगे रहते हैं, तो यहाँ पे किसी को उसके काम के मुताबिक उसकी सैलरी नहीं दी जाती। जी 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 जी, मतलब पाकिस्तान का मीडिया को बुरा कहना, मतलब पाकिस्तान का मीडिया के ऊपर से ऑर्डर आते हैं और फिर वो नीचे से, हाँ जी, नीचे से वो बताते हैं। जी जी, अपने मन से नहीं करते, यानी कि जो फिजा खलीफा हिंदुस्तान के खिलाफ इतना जहर उगलती है, वो ऊपर के आदेश है उसको, मालिकों के, भाई लोगों को, उसको जो दिया जाता है वो वही बोलती है बस। जी जी जी, और तुम्हारा लगभग ऑलमोस्ट जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो पाकिस्तानी मीडिया है, वो तो टोटल भारत के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ है, लेकिन जैसे पाकिस्तानी यूट्यूबर हो गए, वो सिर्फ इंडिया के थोड़ा सपोर्ट करते हैं, खासतौर से मोदी जी को। अभी हिंदुस्तान में चुनावों का भी मौसम चल रहा है, आप मोदी जी के ऊपर काफी वीडियो बनाते हैं, आप भी पब्लिक में राय भी लेते हैं, तो आम पाकिस्तानी हमारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचता है, ये बताइए, रियल बताइए। कोई रियल झूठ मुझे कहना ही नहीं आता, झूठ ही आता मुझे। अगर मैं रियल बात करूं, हम यहाँ पे जब रोड शो करते हैं तो काफी हर तरह के एजुकेटेड भी होते हैं, वो भी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जब हम उनसे बात करते हैं, कुछ होते हैं जो इंडिया को अच्छा नहीं समझते, जो मोदी जी को अच्छा नहीं समझते, वो कहते हैं जब से मोदी जी आए ना, तब से पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं, जो रिलेशनशिप है, ये बहुत ज्यादा खराब हो, और वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से दोस्ती ना करें, ऐसा कुछ सुनने को आता है। लेकिन जो मोस्ट जो ज्यादातर लोग होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं यार, जो मोदी है वो अपनी कंट्री के लिए बिल्कुल ठीक है, उसने भारत को इन 10 सालों में आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, हमें भी चाहिए कि हमें उस जैसा लीडर मिले, जो जिसकी उस जैसी सोच हो, जो बाकी कंट्रीज के ऑर्डर्स पर ना काम करे। उन्होंने बाकी कंट्रीज के लोगों को अपने ऑर्डर्स पर काम करने पर मजबूर कर दिया, ये पाकिस्तानी बोलते हैं जो यहाँ की पढ़ी लिखी यूथ है, लेकिन जो आम पब्लिक है उसके दिमाग में अभी भी वही दुश्मनी, ये है वो है, हम बॉम्ब बरसा देंगे, तो उनकी सोच को ना पॉजिटिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। करेंगे, गजवा इन करेंगे,
में से कुछ लोग होते हैं जो जब हम उनसे बात करते हैं, जब हम उनको फैक्ट बताते तो एग्री कर जाते हैं, लेकिन उनका कसूर नहीं है। जैसे आपने बोला कि जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया वो ये सब कुछ बताता है, तो वो फिर उसी के कुड़वा कहते हैं हमारी खबरों में चल रहा था, हमारे इसमें आ रहा था, उसमें आ रहा था, तो वो फिर इस वजह से इंडिया से नफरत करते हैं। जी जी जी, आपने जो बात कही उसके अंदर मैं दो चीजें और ऐड कर दूं। वो पाकिस्तानी, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी ये भी बोलते हैं कि हम जिहाद करेंगे, हम गजवा हिंद करेंगे। जो पाकिस्तान में जिहाद होता है वो तो कर ले, जो 3 माह की तबलीग पे लोग जाते हैं उसमें इतने कम लोग आए होते हैं और इन्होंने भड़े वाला जिहाद करना है। मैं तो ये बोलूंगी वो जिहाद वाली बातें पहले गुजर गई, तब अगर ये करना चाहते तब कुछ कर भी सकते थे, लेकिन अब इतनी महंगाई हो गया जिहाद में लोगों को रोटी पानी खाना कहाँ से देंगे, वो तो इसी के दौरान उनकी डेथ हो जाएगी खाना ना मिलने की वजह से। तुम पाकिस्तानी को करना चाहिए रोटी है जिहाद, रोटी के लिए जिहाद करना चाहिए। मैं सही कह रही हूँ, यहाँ पे लोग रोटी के लिए जिहाद करें। उस दिन ये जो मरियम नवाज यहाँ की वजीर आला बनी, इसने बोला था मैं राशन के मतलब के लोगों को दूंगी, राशन दूंगी, सब कुछ दूंगी, तो वहीं पे हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो वहां पे हमने खुद राशन का ट्रक देखा है, लेकिन वहां पे इतनी बड़ी लाइन लगी थी, लेकिन सब लोगों के आईडी कार्ड देख के कहते थे कि ना है ले, ये ना है ले, ये ना है ले, मतलब कि किसी को राशन ही नहीं दे रहे। तो वो कहते यार ये फिर अहल कौन है जिसको ये राशन मिलेगा, हमें तो समझ से बाहर है। वो कहते जब हमारे वोट की बारी आई तब हम अहल है, जब हमारे राशन की बारी आई तब हम ना अहल है। तो वो बेचारे रो रहे थे और कहते हम, और वो राशन भी उनको मिल रहा था जिसकी वहां पे भी रिश्वत थी, मतलब कि जो जानते थे एक दूसरे को उन्हीं को उस लाइन में राशन दिया जाता, बाकी जो गरीब लोग हैं वो पूरा दिन अपनी दिहाड़ी खराब करके वह घर वापस आ जाते। तो ये सिस्टम है। चाइना तुम्हारा पाकिस्तानियों का सौतेला अबू है। मेजर के अलावा इनके इनके दो बाप है, मेजर गौरवारी और चाइना। तुम्हारी चाइना के साथ में अचार से खट्टी, शहद से मीठी, आसमान से ऊंची, समंदर से गहरी, इतनी गहरी दोस्ती है और इतना मजबूत संबंध है तुम्हारे चाइना पाकिस्तान से। तो मुझे ये बताओ कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की जो भी सरकार है, पाकिस्तान की आर्मी है, चीनियों को क्यों मरवा रही है, उनसे पैसा ले रही है, उनके लोग भी मरवा रही है। जहाँ पर चीनियों की बात आ जाती है मैं तो उनको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, वो मुझे लगते ही बहुत जहर है। अच्छा, क्योंकि वो अपने जस्ट अपने प्रॉफिट के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे हम देख लें उधर बलोचिस्तान में देख लें, वो वहां से क्या करते हैं, जो मछेरों जो वहां के जो मछेरे थे जो मछलियां पकड़ते थे उनकी सारी मछलियां वो पकड़ लेते हैं, उनको कुछ भी बदले में देते हैं। और फिर जो वो वहां पे पोर्ट बना रहे हैं उसमें भी लोगों को वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी सुनने में आया कि वो सारा इलाका पानी से डूब गया है, तो वो जस्ट पाकिस्तान को यूज करें। यहाँ पे जितने भी हाईवेज वगैरह की मैं बात कर लूँ तो वो चाइना को ही उसका टैक्स जाता है, पाकिस्तान को तो कुछ मिलता नहीं। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना चाइना के बलबूते पर हो रहा है, इवन के चाइनीज लड़के आती हैं पाकिस्तानियों से शादी करके चले जाते हैं और वहां पर उनसे किसी भी किस्म का काम वगैरह करवाते हैं, क्योंकि चाइना में तो उनकी इतनी सिक्योरिटी है कि वहां पर तो उनकी चीजों को तो हम लोग यहाँ पे देख ही नहीं सकते। ये तो इंडियन व्लॉगर्स के मैं 2-3 वो व्लॉग देखती हूँ तो उसमें वो दिखा रहे होते हैं कि चाइना में कितनी ज्यादा सिक्योरिटी, हर जगह आर्मी वहां पे खड़ी होती है, लोगों को उनकी परमिशन उन लोगों को मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका नहीं दिया जाता, तो इतनी सख्ती वहां पे उन्होंने की हुई है। लेकिन अच्छी बात है चाइना को मार रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे हैं, क्योंकि वो शहर से ऊंची उससे नीची जो दोस्ती है ना वो अब इनको लगेगी पता। नायला जी आप तो बिल्कुल बिंदास बोलते हैं, बिल्कुल खरे खरे बोलते हैं, मुझे तो लग ही नहीं रहा मैं एक पाकिस्तानी से बात कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई हिंदुस्तानी है देशभक्त बातें कर रहा है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, जो मेरे दिल में होता है मैं वो कह देती, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को। यार ये कितनी औसम है यार। अब चाइना अच्छा। की बात आपने की, क्योंकि चाइना कभी भी हमारा सगा नहीं हो सकता। ये जो अब हमें तो ये भी नहीं पता कि पता नहीं पाकिस्तान को कितना बेच दिया चाइना के आगे, क्योंकि जो इन्होंने पैसे लिए वो तो ये उनको लुटा तो सकते नहीं है, तो वो उन्हीं का ही फिर हुआ। जब तक हम किसी को उनका कर्ज नहीं देंगे तो वो कैसे वो चीज हमें वापस कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सब कुछ चाइना का ही होगा। जी 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 जी। अच्छा नायला जी ये तो चाइना की बात हो गई, अब मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ अफगानिस्तान की। आपकी चाइना के साथ तो चलो अच्छी पटरी है, फिर भी चाहे 100 इक्तफा लाख हो आपके, लेकिन चाइना के साथ आपकी अभी बन रही है, लेकिन आपका एक इस्लामी बिरादर मुल्क है अफगानिस्तान, पठानों का शहर, मतलब पठानों का देश है, आप भी पठान है, तो आप चाइना पाकिस्तान की, अफगानिस्तान पाकिस्तान की टेंशन को देखते कैसे है, इसके बारे में कुछ बताइए। अगर अफगानिस्तान की बात कर लें तो मैं ये सबसे पहले मैं तालिबान को ये कहूंगी कि यार उन्होंने अफगानिस्तान को बहुत बेहतर कर, अगर उनका डॉलर देख लो और हम अपना डॉलर देखें उनका डॉलर हमारे से ज्यादा है। वहां पर बिजली का यूनिट इतना कम है और यहाँ पर 55 रुपए से ऊपर बिजली का एक यूनिट है। तो वो लोग अपने लोगों के साथ बिल्कुल सिंसियर है, बेशक उनकी इतनी एजुकेशन नहीं है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको पता है कि हमने अपने लोगों की जिंदगी को किस तरह बेहतर करना है। रही पाकिस्तान के साथ उनके
रिलेशन बेहतर क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने वो करने की कोशिश ही नहीं की, ना उन्होंने ये इंडिया के साथ बेहतर करने की कोशिश की, ना उन्होंने अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने की कोशिश की, ना ईरान के साथ की। अब तो सऊदीया ने भी हाथ उठा लिया है कि यार हम लोग अब तुम लोगों के साथ दोस्ती मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि इनका जो असल फेस है वो क्या है। जो अभी 9 मई में हुआ वो लोगों ने देखा, अब जो इलेक्शन में हुआ वो लोगों ने देखा, तो लोगों की आंखें खुल गई हैं। जो लोग पहले पाकिस्तान के बारे में कुछ बुरा नहीं सुनते थे, जो मतलब कि जहाद वगैरह करने पर आ जाते थे, लोगों की जान लेने पर आ जाते थे, अब वो लोग भी चुप करके सुन रहे होते हैं कि हाँ यार जो अगला बंदा बोल रहा है वो बिल्कुल सच बोल रहा है, ऐसा हुआ है। और अफगानिस्तान तो कभी भी हमारा दोस्त बन ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने जितने अफगानिस्तानियों को यहाँ से निकाला, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर शुरू से वो यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन बस निकाल दिया। और ये भी कहा था अगर जो नहीं जाएगा उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, और यहाँ से वो रो रहे थे। और जब वो अपने इलाके की तरफ जा रहे थे अफगानिस्तान, तो वहाँ पर कितने लोगों की सर्दी की वजह से डेथ हुई है, क्योंकि पैसे उनके पास नहीं थे, गरीब लोग थे रास्ते में उनके साथ, मौसम की वजह से उनकी डेथ होगी, खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। और उन्होंने ये जरूर बोला था कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं लेकिन हम इनसे बदला जरूर लेंगे, और उसी बदले का मुझे लगता है ये अंजाम है जो इनके साथ हो रहा है। आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, आए दिन अटैक्स हो रहे हैं, और इनको फिर भी समझ नहीं आ रही कि हमें अपने हमसायों के साथ बेहतर करना चाहिए। और अभी जैसे 23 पाकिस्तानियों को कल इंडियन नेवी ने बचाया, तो सबसे पहले तो उनका बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने 12 घंटे में सर्च ऑपरेशन करके पाकिस्तानियों की जान बचाई। अगर वो यही सोचते जैसे हमारी सोच है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा है कि जो इंडियंस है उनकी डेथ हो रही है, ऐसे अगर पाकिस्तानियों की सोच होती तो फिर तो कुछ भी नहीं था। लेकिन इंडिया नेवी ने अपना फर्ज अदा किया, उन्होंने 23 पाकिस्तानियों को बचाया, उनको उनके इलाके तक पहुंचाया। तो क्योंकि जब छोटा भाई मुश्किल में होता है तो बड़ा भाई बचाता है, तो इंडिया हमेशा बड़े भाई का फर्ज अच्छी खासी तरह से निभाता है, मुझे तो यही लगता है। जी 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 जी, और भारतीय नेवी को सैल्यूट करना चाहिए, हर एक पाकिस्तानी को भी। इससे पहले भी 9 को बचाया था, उससे पहले भी करीब 7-8 को बचाया था, 3-4 बार ऐसे ऑपरेशन वो कर चुके हैं जिनमें, लेकिन फिर भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के मुंह से थैंक यू की ट्वीट नहीं जाती। आप जैसे मौजूद सियासतदान मोदी के बूट पॉलिश करते नजर आए, यही तो पाकिस्तानी कौम की बेशर्मी है, यही तो बेशर्मी। मोदी जी का थैंक यू बोलो, उनकी इंडिया नेवी का थैंक यू बोलो, उनको ट्वीट करके आप लोग कहो कि थैंक यू सो मच, आपने 2 बार हमारे लोगों की जान बचाई है, ताकि उनके दिल में भी पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी नरमी पैदा हो कि हाँ यार ये अब लोग सुधरे। लेकिन हम तो आम लोग हैं, हम तो बहुत कुछ कहते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन होगा वही जो वो चाहेंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपसे तिजारत का ही क्वेश्चन करने वाला था, लेकिन आपने तो उस सवाल में अफगानिस्तान के साथ में इसी में तिजारत को ऐड कर दिया। और मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपकी पाकिस्तानी आवाम से, पाकिस्तान मुल्क से, कि आप पाकिस्तानी, मोस्टली पाकिस्तानी, चाहे पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में हो, चाहे पाकिस्तानी लोकल आदमी हो, चाहे पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हो, मतलब एवरीवन पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहता है ना उसकी बड़ी चिंता रहती है कि वहां पे तशद्दुद होता है उनके ऊपर, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, उन पे जुल्म होता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान की अशराफिया से, कि वो भी पाकिस्तान के अंदर एक CAA लागू क्यों नहीं कर देते, ताकि जो सताए हुए मुसलमान है, मतलब आप लोगों के मुताबिक, वो पाकिस्तान में आ जाए और जन्नत जैसी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारे। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये पाकिस्तानियों को कहना चाहूंगी कि जो इंडियन मुस्लिम है वो बहुत ज्यादा खुश है यहाँ के मुसलमानों से, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है। पाकिस्तानी की बात कर ले, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं, उनको शुरू से यही दिखाया जाता है, ठीक है, कि जो इंडियन के, जो इंडिया की तरफ के जो मुसलमान है उन पर जुल्म हो रहा है, ठीक है, वो रो रहे हैं, उनको नमाज पढ़ने नहीं जाती। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर पाकिस्तानियों का यही सवाल होता है कि वहाँ पे जो मुसलमान होते हैं ना, वो जब रोड पे नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे पुलिस आते हैं, उनको मारती है, वो अरेस्ट करके उनको ले जाती है। तो पहली बात है कि रास्ते में नमाज क्यों पढ़ना, एक चीज है ना, आपके पाकिस्तान में भी रास्ते में नमाज पढ़ते हैं क्या? आपने नमाज अदा करनी है मस्जिद में, करो जहाँ पे उन्होंने एक जगह आपको दी हुई है। लेकिन नहीं, जुल्म तो कहीं भी नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे लोगों को यही बताया जाता है कि जो इंडियन मुस्लिम है वहाँ पे उनको इबादत करने की इजाजत नहीं है, वहाँ पे अजान नहीं कोई देता, ठीक है, वहां पे लोगों को पकड़ पकड़ के डाल दिया जाता है, वहां पे मदरसे तोड़ दिए जाते हैं। तो इनको ना अपनी सोच बेहतर करने की जरूरत है। वहां के तो मुसलमान खुद आके बोलते हैं कि यार हम लोग भारत में खुश हैं, हमारी जिंदगी यहाँ पे खुश है। इवन के कश्मीरी लोग आके कह रहे होते हैं, अभी जैसे मोदी जी कश्मीर में गए थे, उन्होंने बोला कि इस बार भी मोदी सरकार। तो इतनी बड़ी तादाद में कोई किसी को ये रटवा तो सकता नहीं है, हर इंसान के जो दिल की ख्वाहिश उन्होंने आके वो बोली है। तो इंडिया में तो मुसलमान पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है, अदरवाइज पाकिस्तान
पाकिस्तान में जरूर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है इस्लामिक कंट्री में रह के, क्योंकि यहाँ पे लोगों को खाना नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे इतनी महंगाई हो गया है, बिजली के बिल इतने हो गए हैं, लोग नशे पे मतलब के टेंशन की वजह से लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो लोग हमारे शो में आज से 2 महीने पहले आए थे, एक लड़की की मैं बात करूंगी, वो हमारे शो में बंटी जी आया, अच्छा खासा एजुकेटेड इंसान था, इंजीनियर था, और उसने बोला था कि मैं नेक्स्ट मंथ आउट ऑफ कंट्री चला जाऊंगा यूरोप वाली साइड पे। जब 2 मंथ बाद हम उसी जगह पे हमने जब दोबारा इंटरव्यू किया तो वही लड़का नशे पे लगा हुआ, उसकी वो सिचुएशन ही नहीं थी, उसकी वो पर्सनैलिटी नहीं थी, वो इतना डाउन। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हें ये क्या हो, बीमार हो तुम क्या हो, तो वो नशे पे लगा हुआ था, हमारे बैठे बैठे उसने 3 सिगरेट की डब्बियां पी ली, तो उसके पेरेंट्स पे क्या गुजरेगी, क्योंकि जॉब ना होने की वजह से, टेंशन की वजह से वो नशे पे लग गया। तो यहाँ पे हालात बहुत खराब है, मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अब ये भी सुनने को आ रहा है कि मजीद खराब होंगे, बेहतरी का कोई चांस नहीं। तो जितने भी मुझे सुनने वाले हैं जो पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि अपने हमसायों के साथ अपने रिलेशन बेहतर करो, ताकि इस मुश्किल घड़ी में आप जो मुश्किल आई है, IMF से आप पैसे ले रहे हो, उनके कदमों में जा रहे हो, वही आप भारत की तरफ चले जाओ, उनके कदमों में चले जाओ, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, वो आपका 1947 से पहले आप एक जगह ही रहते थे, सब कुछ एक था, तो आप अगर अपने भाई के पांव पड़ लोगे तो वो आपकी हेल्प भी कर लेंगे, आपको वो होता ना कि ताने वगैरह जो सिस्टम सुनने को मिलता वो भी नहीं मिलेगा, रिलेशन भी बेहतर होंगे, तजारत का मामला भी ठीक हो जाएगा, गुर्बत भी खत्म हो जाएगी, और यहाँ के लोग वहां जाएंगे, वहां के लोग यहाँ आएंगे, तो रिलेशन को बेहतर करना चाहिए। अब ये मोहल्लों वाली लड़ाई तो है नहीं कि इस आंटी ने ये कर दिया मैं वो करूंगा, ये कंट्री वाइज है, तो आप लोग कंट्री वाइज लेके चलो, जो एक PM की सोच होती है उसको लेके चलो। और मुझे लगता है कि इंडिया की तरक्की का ये राज भी है कि उन्होंने कभी भी पर्सनल चीजों को दुश्मनी के लेवल पर नहीं देखा। अब देखें चाइना और भारत की आपस में लड़ाइयां भी हुई हैं, ठीक है, अभी भी चाइना ने भारत के साथ वो जो बॉर्डर लाइन भी किया था, तो उसके बावजूद भी उनकी तजारत चल रही है, क्योंकि उनको काम सबसे अहम है, ये चीजें तो चलती रहेंगी, तो वो काम को ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन हम लोग काम को अहमियत नहीं देते, हम लोग ना दुश्मनी को ज्यादा अहमियत देते हैं कि उसने मेरे खिलाफ ये बोला है और मैं ये बोलूंगा, इस वजह से हमने तजारत ही खत्म कर दी। और खुद तो ये हर तरह, खुद तो इनको ये भी नहीं पता कि जो आलू और किलो मिलते हैं ये लीटर में मिलते हैं, खुद इनकी ये सिचुएशन हमारे यहाँ भी है राहुल गांधी जी, वो आलू डाल के सोना बनाते हैं वो, हाँ, और कहते हैं पानी आता है तो बारिश आता है, इनको ये भी नहीं पता कि बारिश आती है, पानी पता नहीं क्या सिस्टम है, हमें तो ये चीनी उगता है, तो ये सब कुछ ये कहते हैं। और ये जो हाई लेवल के लोग हैं जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, ये उनकी सोच है, लेकिन जो गरीब आवाम है वो तो आज भी यही कहता है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करो, तजारत ओपन करो, हमें खाने को कुछ मिले। तो लोगों की सोच इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो गया, बदल गई है, वो आजकल के दौर में बोलते कि हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, हमें अपना फ्यूचर चाहिए, हमें अच्छी जॉब चाहिए, हमारी आउट ऑफ कंट्री में हमारे पासपोर्ट की वैल्यू हो। लेकिन यहाँ के लोगों से आप पूछ लो, गुर्बत कम कर दो, प्याज का रेट कम कर दो, घी का कम कर दो, बिजली का कर दो, बस इनकी सोच यहीं तक महदूद हो गई, क्योंकि यहाँ के लीडर्स हैं उनको वो सोच ही नहीं दी। अच्छा मैं आपसे ना एक सवाल और पूछना चाहता हूँ जाते जाते, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, कि आप मुझे ये बताइए, जैसे हिंदुस्तान में जो अभी आप बात कर रही थी कि नवाज के ऊपर कि भाई नवाज पढ़ते हैं, नवाज नहीं पढ़ने देते, पुलिस पकड़ के ले जाती, अरेस्ट करके ले जाती, ये आपके पाकिस्तान में ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो हमेशा हर जुम्मे के दिन खासतौर पर रोड पे नवाज पढ़ता है, तो पाकिस्तान में भी क्या हर जुम्मे के दिन रोड पे नमाजें पढ़ी जाती है? आप तो पाकिस्तान में रहती है, आपको तो अच्छे से पता होगा। यहाँ पे तो मैंने कभी नहीं देखा कि रोड पे जुम्मे वाले दिन नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि अब लोगों की नमाज पढ़ने की तादाद बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, और मैंने तो ऐसी मस्जिदें भी देखी हैं जिसको ताले लग गए, लोग वहां पे नमाज पढ़ने ही नहीं आते, ठीक है, ये रियलिटी है। हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों रोड पे नमाज पढ़ता है मुझे ये बताइए। क्योंकि उसको आजादी है, उसको आजादी है, उसको परमिशन है, वो पढ़ सकता है, क्योंकि वहां पे वो सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग वो कोई ऐसी वीडियो जो सोशल मीडिया पर होती है जो लोग डाल देते हैं, वो हर इंसान पर उसे अपने अकॉर्डिंग सोचता है कि यार ये देखो मुसलमानों के साथ क्या करें, जुल्म करें, ये करें। मैंने तो इंडिया के मुसलमानों को ये भी देखा है कि वो मतलब के भारत माता के नारे लगा रहे होते हैं, वो कहते हैं इस्लाम अपनी तरफ है, लेकिन हम जिस कंट्री में रहते हैं उसकी रिस्पेक्ट अपनी तरफ है, वो दिवाली भी मना रहे होते हैं, अभी होली भी मैंने देखा कितने मुसलमान उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उनको परमिशन है, वो हर तरह की, उनको महंगाई वाला सिस्टम ही है, वहां पे तो मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, यहाँ पे कितनी मुस्लिम लड़कियों को स्कॉलरशिप दिया जाता है अगर पाकिस्तान की बात कर ले, जीरो लेवल, किसी को भी कुछ नहीं दिया जाता वहां पे, तो उनके प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि जो मुस्लिम बच्चे हैं वो एक हाथ पे कुरान पकड़े दूसरे हाथ पे कंप्यूटर पकड़े, यहाँ पे कंप्यूटर का तो दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं, यहाँ पे तो स्कूल के अंदर कंप्यूटर नहीं है, तो वो क्या कहेंगे कंप्यूटर को ऐसे पकड़ो तुम लोग, तो ये सिस्टम है। वहां के मुसलमान में ये बोलूंगी वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो भारतीय है,
और अगर हम यहाँ के मुसलमानों की बात कर लें, ये पाकिस्तान है, इनका ये कसूर है, तो फर्क वाज है। तो नायला जी आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा नायला की बातें सुन के। और अगर आपको लगता है कि नायला को दोबारा पकड़ के लेके आऊं मैं, तो नायला जी को कमेंट सेक्शन के अंदर अभी बोल दो कि पार्ट टू चाहिए, तो नायला जी आपको आना पड़ेगा। ठीक हो गया, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है इस वीडियो में तो दिल से माजरत, क्योंकि मैंने तो वही बोला जो रियलिटी। और थैंक यू सो मच मुझे इन्वाइट करने के लिए और मेरी बातें सुनने के लिए। जय श्री राम।